तो क्या क्रीम रोल पैटीज, स्वीट हार्ट कुकीज और ना जाने क्या क्या जो बनता है पफ पेस्ट्री डो से है आपका भी फेवरेट। तो आज हम बना लेके आए हैं आपके लिए रेसिपी पफ पेस्ट्री डो की, जिसके साथ हम स्वीट हार्ट कुकीज भी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार सी कुकीज़ की रेसिपी, बट उसके पहले हम करेंगे पफ पेस्ट्री डो की रेसिपी। मैंने ले लिए हैं 2 कप मैदा, और पहले जब हम डो लगाएंगे ना, इसमें थोड़ा थोड़ा बटर ऐड करते जाएंगे और नमक ऐड कर देंगे। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसमें अगर आप 200 ग्राम 250 ग्राम मैदा ले रहे हो ना, तो आपको 200 ग्राम बटर चाहिए। तो ये मेजरमेंट है, 250 ग्राम मैदा और 200 ग्राम बटर चाहिए, अनसॉल्टेड बटर चाहिए। और अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हो, तो आप जो नमक हमने एक चुटकी डाला है ना, वो स्किप करेंगे। और पानी बिल्कुल ठंडा चाहिए इस डो को लगाने के लिए। तो मैं लगा रही हूँ डो, तो इतने में आप पूरी वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहिए। गर्मी की हैं छुट्टियाँ, तो बच्चों को ज़रूर बना के दे दीजिए हेल्दी और हाइजीनिक वे से। बिल्कुल घर के बने मक्खन से बना रही हूँ मैं। तो ये देखिए हार्ड सा डो लगा लिया है हमने। तो अब हम प्रोसीजर शुरू करेंगे। आटा स्प्रिंकल करेंगे प्लेटफॉर्म पे और इसको डो को इस तरह से लंबा लंबा बेल लेंगे। तो ये देखिए बेलती जाऊंगी मैं, आटा छिड़क छिड़क के इसको बेल दूंगी। अब हम काम शुरू होगा हमारा मक्खन का। तो इस पे खूब सारा मैंने रूम टेम्परेचर का बटर है, आप थोड़ा ठंडा बटर भी ले सकते हो, बट रूम टेम्परेचर का एक्चुअली जो बटर है वो ईजी है स्प्रेड करना। अब इसके लगाएंगे हम फोल्ड्स, और ये प्रोसीजर ना एक खुला खुला बटर लगाना है हमने इसकी लेयर्स क्रिएट करने के लिए। आपने देखा होगा, देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम, और इसको ना यही प्रोसीजर को हम देखिए फिर इसको इस तरह से हम कोशिश करेंगे बेलने की। ये देखिए फिल्म ले लूँगी मैं, एक पॉलिथिन की या लिफाफा ले लीजिए। इसको ना बिल्कुल फ्रीज़र में रख देंगे हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए, हम 15-15 20-20 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रखते जाएंगे। और यही प्रोसीजर बार बार निकालेंगे। ये देखिए फ्रिज से, फ्रीज़र से आ गया है, और फिर इसी तरह से बेलेंगे। और फिर तैयार रखिए मक्खन खूब सारा। तो मैंने जैसे बताया आपको कि अगर 250 ग्राम मैदा है तो 200 ग्राम बटर लीजिए, फिर स्प्रेड किया। इसी तरह से ये प्रोसीजर हम करेंगे 4 से 5 बार, और फ्रीज़र में हम इसको रख रख के आधा घंटा सेट करते जाएंगे। आप देख सकते हो लेयर्स बननी शुरू हो रही हैं। तो ये देखिए फिर से इसको रैप किया, और लिफाफा ही ले लिया अभी मैंने, इसमें ही रैप कर दूंगी, और फिर रखते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए प्लेटफॉर्म पे फिर आटा छिड़केंगे, और देखिए हार्ड हो गया है। अब बस इसको मैंने 4 से 5 बार कर लिया है इसको। अब ये लास्ट बार मैंने कुकीज़ बनाने के लिए निकाला है, याद रखिए इसको 4 से 5 बार करना है। ये देखिए फ्रीज़र में से इसको बिल्कुल हार्ड है, बेल लीजिए इसको अच्छे से। ये देखिए लंबा बेल लीजिए। इसकी शीट्स बनाएंगे अब हम, जितनी आपको चाहिए आप उतनी इसके लिए शीट यूज़ कर सकते हो। बाकी आप फिर वही तरीके से फोल्ड कर सकते हो, और इसको फिर दोबारा रैप से निकाल के, या फिर आप जिप पाउच में भी रख सकते हो। तो फिर से आप ये देखिए हर तरफ से इसको बेलिए। ये देखिए मैंने फिर से कर दिया है वही प्रोसीजर, बट अब बिना बटर के। आप 3 से 4 बार बटर लगा के कीजिए, और फिर 2 से 3 बार बिना बटर के हम इसको करेंगे। तो ये हो जाएगा सेट। तो ये फाइनल मैंने निकाल लिया है, ये देखिए बिल्कुल हार्ड हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अब मैं इसको बेलूंगी। इसको बेलना थोड़ा सा एक बार तो लगेगा मुश्किल। तो ये देखिए ये है फाइनल प्रोसेस जब मैं कुकीज़ बना रही हूँ। वो पहले वाला फाइनल नहीं था। मैं फिर बता दूँ, 3 से 4 बार बटर लगा के फोल्ड करके फ्रीज़र में, और फिर 2 से 3 बार बिना बटर लगाए फोल्ड करनी है, ताकि इसकी लेयर्स क्रिएट हो सकें। तो अब हम काटेंगे इसकी कुकीज़ के लिए जो स्वीट हार्ट कुकीज़ यानी हार्ट शेप्ड कुकीज़। तो देखिए मैं किस प्रोसीजर से बनाती हूँ वो कुकीज़, बने रहिए एंड तक। और मुझे ज़रूर बताइए कि समर वेकेशंस में आप क्या स्पेशल बना रहे हैं, और
आप कोई रेसिपी मुझे चाहते हैं कि मैं छुट्टियों के लिए अपलोड करूं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और इतने में मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये आटा देखिए बेल लिया है मैंने, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी साइड से बिल्कुल, ये देखिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ इसकी स्वीट हार्ट यानी हार्ट शेप्ड कुकीज़, जो कि बिल्कुल क्रंची वाली कुकीज़, आपको याद होगा आप छोटे होते भी खाते थे, तो इस तरह से लंबी वाली स्ट्रिप्स देखे मैंने इसको रेक्टेंगुलर शेप में कर लिया है इसको बिल्कुल, ये देखिए। और अब मैं फिर आटा लगा के इसको थोड़ा सा डो को और पतला कर लूँगी ताकि इसमें पूरा क्रंच आ सके, क्योंकि अगर मोटा रह गया आटा तो वो आटा ही बहुत मोटा मोटा सा मुँह में आएगा, वो पेस्ट्री जैसा आपने देखा होगा, पेस्ट्री की फ्लेकी लेयर्स होती हैं बिल्कुल इस तरह से फ्लेकी, ये देखिए इतना पतला हमने कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे और कुकीज़ को शेप देना शुरू करेंगे। तो इस पे मैं लगा रही हूँ चीनी, देखिए बिल्कुल इस तरह से स्प्रेड कर लेनी है चीनी। तो ये जो शुगर वाली कुकीज़ होती है ना, कैरामलाइज शुगर वाली, ये वो बना रहे हैं हम। तो इस तरह से मैंने खूब सारी शुगर स्प्रेड कर ली है। अब मैं प्रोसीजर नेक्स्ट करूँगी, चीनी बिछाने के बाद इसको मैं कर लूँगी रोल। ये देखिए बहुत ही बारीक बारीक रोल करना है, जितना रोल आप अच्छे से करेंगे उतना ही हार्ट शेप अच्छी आएगी। और ये एक साइड से नहीं, हमने दोनों साइड से रोलिंग करनी है इसकी। तो ये देखिए कितने मज़े से, बड़ा ही ट्रिकी सा काम है बट बहुत अच्छी बनती हैं। आप पैटी भी बनाना चाहते हो, आप क्रीम रोल बनाना चाहते हो, बट हमने ये ट्राई किया है। ये देखिए, तो ये दोनों साइड से इस तरह से बनाया और इसको जोड़ दिया, ये देखिए। अब देखिए किस ट्रिक से हम बनाते हैं इसके हार्ट्स। ये मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, इसको हम ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं रखती जाऊंगी इसको ट्रे में और इसको शेप हम देंगे बाद में। ये देखिए काट लूंगी मैं सारी कुकीज़ इसी तरह से। उधर याद रखिए हमने ओटीजी है जो अपना अवन, वो प्री हीट पे लगा दिया है 200 पे 10 मिनट के लिए। जो बेकिंग होती है ना बिस्किट्स वगैरह की, वो हाई फ्लेम पे ही होती है, हाई हीट में होती है, भट्टियाँ कितनी तेज़ गर्म होती हैं ना उस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे बिस्किट सेट कर लिए, आप देख सकते हो दोनों साइड से रोल करने के कारण ये हार्ड शेप्ड हो गए हैं। फ्रंट से पकड़ेंगे और सेंटर से दबाएंगे हम इसको और बिल्कुल हार्ट के शेप की ये बन जाएंगी। और 200 डिग्री पे मैं इसको करूँगी बेक, लगभग 15 से 20 मिनट में ये फुली बेक हो जाएंगी। फिर भी आप पलट के देखते रह सकते हैं, आप इन्हें कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब मैं मिल्क का इसको मिल्क बाथ दे रही हूँ, दूध से अच्छे से इसको कोट कर देंगे ताकि इसके ऊपर मॉइस्चर है जो बना रहे और स्मूथ कुकीज़ बने हमारी। आपको याद होगा हमने ओट कुकीज़ बनाई थी, हमने कोकोनट कुकीज़ बनाई थी, और ऊपर से मैं थोड़ी थोड़ी शुगर और डालूंगी ताकि वो अच्छे से कैरामलाइज हो जाए और उसका और क्रंची और यमी वाला फ्लेवर आए। लिटिल हार्ट्स के बिस्किट भी हम खाते थे ना बहुत सारे पैकेट, तो वो बिल्कुल वैसे ही लिटिल हार्ट्स जैसे बन जाते हैं। अब मैं लगा रही हूँ इसको बेकिंग में, तो ये गया बेकिंग मोल्ड में, तो ये कर दिया है मैंने बंद। तो इसको ना मैंने लगा दिया था टाइम लैप्स पे, तो आप देख सकते हो ये बेक हो रही हैं कुकीज़। और अगर आपको लगे ना कि ये कच्ची हैं या कुछ है तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हो। तो ये देखिए थोड़ी सी मैं इसको पलट दूंगी चिमटे से यानी टोंग से, देखिए थोड़ा थोड़ा इनको पलट दीजिए कुकीज़ को बाहर निकाल के, दोनों साइड से ये ब्राउन हो जाएंगी। ये देखिए तो ये हो गई हैं बिल्कुल ब्राउन। तो ये देखिए कुकीज़ आपको कैसी लगी मेरी वीडियो,
प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।